दिन पर कांग्रेस ने की घोषणा लगता है इसकी जीत की शुरुआत बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नीचे भावना को जिसमें मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है समझ और आम जनता उस भावना को जिसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत की ओर है इसका एहसास टिकटों के डिक्लेरेशन से हुआ। जिस तरीके के टिकट कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के दिए हैं मतलब जनता के मन के टिकट जनता जो क्षेत्र में चाहती थी उन लोगों को पूरे प्रदेश में टिकट मिले हैं ये अपने आप में इस बात का एहसास कराता है कि कांग्रेस जनता की भावनाओं के अनुरूप चल रही है। 100% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी यह एहसास आज मां शक्ति के प्रथम दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने एहसास प्रदेश को कराया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप टिकट वितरित कहा जा रहा है कि राव तो जीती हुई विधानसभा जीते नहीं चुनौती चुनाव होते हैं अहंकार में जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मानते हैं कि मैं नहीं भी आऊं तो ऐसा हो जाएगा और वैसा मैं उसको नहीं मानता। चुनौती होती है चुनाव और चुनाव में विनम्रता से हाथ जोड़कर पैर छूकर जनता के आशीर्वाद को आत्मसात करना पड़ता है। मैं क्योंकि हमेशा से कभी एक चुनाव में भी चौथा चुनाव है कांग्रेस पार्टी को मैं साधुवाद देता हूं कि चौथी बार मुझ पर भरोसा किया ये अपने आप में मेरे लिए गौरव का विषय है कि इस उम्र में मुझे चार बार कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं मानता हूं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी अच्छे बहुमत से जीतेगी और 20 साल की कांग्रेस पार्टी की और मेरी सेवाएं इस क्षेत्र को है। मैंने हमेशा से परिवार जैसा जब मैंने कहा राव विधानसभा मेरा परिवार है तो मैंने कभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भेद नहीं किया मैंने नफरत नहीं की घृणा नहीं की। एक भी 20 साल में कार्यकर्ता बीजेपी का ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहे कि जीतू पटवारी चूंकि मैं बीजेपी का था इसलिए मेरे से नफरत और घृणा के भाव से पेश आया। मैं कहता हूँ प्रेम और प्यार और मोहब्बत से हम परिवार जैसी विधानसभा को हमने सजोया है और चूंकि विधानसभा मेरा परिवार है तो फिर इसमें नकारात्मकता नहीं सकारात्मक। जीतू भैया गौरव रणदीप के भी बयान आया है कि ये जो लिस्ट है ये परिवार और पट्टावाद की लिस्ट है इसका मुझे उत्तर नहीं देना और उन्होंने बोला है दिग्विजय सिंह की अभी लिस्ट बाकी है उसका भी मुझे उत्तर नहीं देना। सर विधानसभा एक में जो प्रत्याशी भाजपा खड़े हो गए उनका कहना था मैं शहर में रहूं ना रहूं प्रदेश से बाहर रहूं फिर भी वो 50,000 से प्रचंड बहुमत जीते तो ये क्या लगता है आपको इस तरह के बयानबाजी किस तरह से सही है। ये रावण भी कहता था मैं रहूं नहीं रहूं राम की अर्धांगिनी माता सीता को लेके गए और फिर अंत में क्या हुआ। अहंकार जनता के सामने किसी का नहीं चला है न चलेगा न चलना चाहिए। लोकतंत्र की मूल भावना होती है भरोसा विश्वास और लोगों के प्रति विनम्रता। तो विनम्रता से बाहर कोई होता है वो कितना भी बड़ा नाम हो कितना भी बड़ा पद हो मैं समझता हूँ जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में और उस भावना को सबको जीना चाहिए हम तो जीते हैं। पिछली बार आप किसानों की आप बातें करते आए हैं सामने वाले प्रत्याशी वो क्या शायद तक राव के लिए नए हैं या फिर उन्हें किसान किस तरह से सपोर्ट करेंगे। मैं जैसे मैंने कहा यार मेरी विधानसभा मेरा परिवार है तो मेरे सामने वाले जो प्रत्याशी है उनको मैं कहता हूँ मेरे पिता तुल्य है तो जब मैं उनको पिता कहता हूँ तो उनमें बुराई कैसे ढूंढ सकता हूँ। पिता में कोई बुराई होती है अच्छे आदमी। पिछली बार 5700 वोटों से जीते थे वो इस बार क्या लगता है कि मैं जीता हाँ वो आप जीते थे 5700 वोटों से और उसके पहले आपकी जीत 18,000 वोटों से हुई थी आपकी लीड कम हुई थी इस बार कुछ फर्क आएगा क्या बढ़ेगी लीड। ऐसा है कि लोकतंत्र में जो रिजल्ट मिला जनता ने दिया उसको सर माथे पे अभी अखबारों में आप लोगों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बातें चलती थी जीतू भैया यहाँ से लड़ेंगे कहाँ से लड़ेंगे ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि जैसा मेरी भाषा है जैसी मेरी भावना है वैसा ही मेरा मन है तो मैंने अभी कहा कि मैं मधु वर्मा में बुराई नहीं ढूंढता हूँ भले आदमी अच्छे आदमी है और चूंकि मेरे पिता तुल्य है तो मैं समझता हूँ कि पिता और बेटे का एक रिश्ता भी होता है। राजनीति में सार्वजनिक जीवन में अपने स्वार्थ के लिए मैं पिता की बुराई कभी नहीं करूँगा। और बात यह हिंदू परंपरा या भारतीय परंपराओं में एक एहसास होता है कि जब बेटा और बाप में एक को जिम्मेवारी लेना है तो जनरली नेचुरल स्वाभाविक बेटा लेगा। मैं मानता हूँ जनता भी इस बात को समझती है बेटा जैसा अभी सेवा कर रहा है राव के विकास की बुधनी से ज्यादा विकसित विधानसभा की वैसे ही आगे करेगा जनता इसका मैंडेट देगी। मैं पिताजी के घर बैठ के सेवा करूंगा उनका मार्गदर्शन दूंगा उनका आशीर्वाद दूंगा।